यदि आज श्रीराम और श्री कृष्ण होते तो जेल भेज देता। ये शब्द जो आपने अभी सुने ये मेरे नहीं बल्कि यूपी के प्रयागराज में अलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम के हैं। बता दें कि प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम ने एक बार फिर विवादित टिप्पणी कर दी है। प्रोफेसर ने अपने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि यदि आज प्रभु श्री राम होते तो मैं ऋषि शंभुक का वध करने के लिए उनको आईपीसी की धारा 302 के तहत जेल भेजता। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा जो हम आपको बता भी नहीं सकते। खैर, आपको बता दें कि प्रोफेसर की इस विवादित टिप्पणी के बाद विश्व हिंदू परिषद और विश्वविद्यालय के छात्रों में काफी नाराजगी देखने को मिली। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर विक्रम के खिलाफ कथित तौर पर भगवान राम और कृष्ण पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है, जिसके आरोप में कर्नलगंज थाने में विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच और बजरंग दल की संयुक्त शिकायत पर रविवार यानी 22 अक्टूबर की शाम को FIR दर्ज की गई। साथ ही उन्होंने पुलिस से प्रोफेसर को अरेस्ट करने और विश्वविद्यालय प्रशासन से उचित कदम उठाने की मांग की। दरअसल इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद भी आक्रोशित है। प्रांत संगठन में मंत्री नितिन ने कहा कि ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करके हिंदू समाज को अमर्यादित किया जा रहा है। ये पूरी तरह से प्लानिंग के तहत समाज में अशांति फैलाने के लिए ऐसे टिप्पणी की गई है। बता दें कि प्रोफेसर द्वारा इस तरह की पहली टिप्पणी नहीं है, बल्कि कई साल पहले भी प्रोफेसर ने ऐसे ही विवादित टिप्पणी की थी, जिसको लेकर उस वक्त भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बच्चों में काफी आक्रोश था और प्रोफेसर के खिलाफ छात्रों ने कई दिनों तक विश्वविद्यालय में प्रदर्शन भी किया था। एक बार फिर अब प्रोफेसर विक्रम पर यह आरोप है कि वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के माध्यम से आए दिन हिंदू समाज के देवी देवताओं पर अभद्र एवं नफरती टिप्पणी करके अपमानित करते हैं। इससे न केवल विश्वविद्यालय छात्रों में आक्रोश है, बल्कि हिंदू समाज भी आहत होता है। वहीं इस मामले को लेकर जब डॉक्टर विक्रम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने संविधान के दायरे में रहकर ये बातें लिखी हैं। भगवान राम ने शंभुक का वध इसलिए किया था क्योंकि शंभुक शूद्र जाति के थे और बच्चों को शिक्षा दे रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि श्री कृष्ण स्त्रियों के कपड़े लेकर भाग जाते थे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि आज के समय में अगर ऐसा होता तो क्या कोई महिला ये बर्दाश्त करती। वहीं विश्व हिंदू परिषद के शुभम ने कहा कि भारतीय संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन डॉक्टर विक्रम जैसे व्यक्ति सामाजिक अशांति फैलाने के लिए इसका फायदा उठा रहे हैं। वो इस बात से अनजान है कि संविधान ऐसी टिप्पणी करने की अनुमति नहीं देता जो देश की सुरक्षा और लोक व्यवस्था को खतरे में डाल सकती हो। प्रोफेसर के इस विवादित बयान के बाद विश्वविद्यालय के छात्रों में काफी तनाव का माहौल बना हुआ है। अब इस मामले को लेकर विश्वविद्यालय और प्रशासन क्या एक्शन लेता है ये तो आगे देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़बुक के साथ।